जय श्री राम भाइयों। आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच नंबर 10, ठीक है। स्मॉल लीग की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ कि ग्रैंड लीग में आप कैसे जीत सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ग्रैंड लीग में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो इस आईपीएल में, मान लीजिए आप भी सपना लेकर ड्रीम इलेवन पर आए हो कि आपको ग्रैंड लीग जीतनी है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 20 टीम दिखाने वाला हूँ, जो 20 टीम बनाने में कम से कम मेरे को भाई 6 घंटे लगे हैं, ठीक है। 20 टीम जो मैंने क्रिएट की है ना, ऐसे नहीं कि प्लेयर सेलेक्ट किया और सीधी सीधी टीम बन गई, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। हर एक टीम में लॉजिक आपको बताऊंगा कि किस लॉजिक से मैंने ये टीम बनाई है, प्लस किस लॉजिक से मैंने किस प्लेयर को ड्रॉप किया, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले भाई अब है ना, आपको क्या करना है, ये मेरी पहली वीडियो ग्रैंड लीग के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको दिखाना है भाई ढेर सारा प्यार, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, दबा के कॉमेंट्स करने हैं, ठीक है। जितने ज्यादा आपके लाइक और कमेंट आएंगे उतनी हमारी वीडियो को रीच मिलेगी, और आप जैसे और भी भाई है जो भाई ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको ग्रैंड लीग जीतनी कैसे होती है। अगर आप सेम टीम को कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, तो भाई आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। मान लीजिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मान लीजिए मैंने 20 टीम शेयर की, वहां पर भाई मैं टीम जरूर शेयर करूंगा, लेकिन जो सीबीसी है ना, वो आपको अपने रखने चाहिए। रीजन, क्योंकि देखिए अभी यहां पर क्या चल रहा है कि फुल कंपटीशन चल रहा है। अगर मान लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से 1000 बंदों ने भी ग्रैंड लीग में रैंक एक पर टीम लगा दी, तो अगर मान लीजिए रैंक एक पर आ भी गई अपनी टीम, तो भाई फायदा क्या होगा, 1000 बंदे हो आप, ठीक है, कुछ नहीं इससे आना भाई, वही 10-20-30 हज़ार रुपए में बट के रह जाओगे, ठीक है। बट अगर आप खुद का माइंड यूज कर लेते हो, और अगर मान लीजिए आपका लक थोड़ा सा साथ दे गया, तो 100% भाई आप करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको साइड में स्क्रीन दिख जाएगी, जहां पर आपको सारी चीजें दिखती रहेंगी। पहले बात करेंगे कि आपको जो ये 20 ग्रैंड लीग की टीम है, या 20 ग्रैंड लीग टीम, या 10 ग्रैंड लीग की टीम, या 5 ग्रैंड लीग की टीम, जो भी आप बनाते हो हर मैच में, वो किस लॉजिक से बनानी चाहिए, ठीक है। 3 ग्रैंड लीग आपको दिखेगी, 67 करोड़, 23 करोड़ और भाई 3 करोड़ टोटल। अगर आप देखोगे तो भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 97 करोड़ रुपए की ग्रैंड लीग लगी हुई है। अब यहां पर आपको करना क्या है, देखिए 20 टीम मैंने बना रखी है, लेकिन स्मॉल लीग की बात कर लेते हैं कि ग्रैंड लीग की टीम दिखाने लगूं उससे पहले, क्योंकि स्मॉल लीग में भी आपको जितवाता है आपका भाई जो लास्ट मैच था भाई, राजस्थान वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, वन साइडेड विनिंग है भाई। 8100 रुपये मैंने लगाए, 24200 आए, और यहाँ पर 16000 रुपये का शुद्ध मुनाफा, सीधा सीधा प्रॉफिट आपके भाई ने निकाला है। अगर बात करें भाई इससे पहले वाले मैच की, तो वो भी आप लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि भाई अपना क्या है, अपन हर मैच में पैसे छापते हैं, ऐसा नहीं है अपन कोई एक मैच में छाप लिया, दो मैच में मिस हो गया, ऐसा काम नहीं करते भाई, तुक्के वाली टीम नहीं बनाते, ठीक है। अनुराग द्विवेदी की तरह मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 22 खिलाड़ियों में से 18 खिलाड़ी बता के कि बचे हुए 4 भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा भाई। जो चीजें बताऊंगा लॉजिक के साथ बताऊंगा, लॉजिक के साथ टीम दिखाएंगे। तो चलिए टीम की बात करते हैं, और हाँ, फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, प्लस ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो फटाफट भाई टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, है ना। अब चलिए भाई बात करते हैं टीम के बारे में। तो सबसे पहले भाई आपको पहली टीम में दिखाता हूँ, यहाँ पर भाई देखिए मैंने कैप्टन वीसी दिया है, आरसीबी के टॉप 4 पर जो बैटिंग करेंगे, ठीक है, मैक्सवेल नंबर 4 के आसपास आएगा। वहीं अगर आप देखोगे तो फाफ डु प्लेसिस भाई ओपन करेगा, ठीक है। फाफ डु प्लेसिस को मैक्सवेल को मैंने सीबीसी क्यों दिया है, मैक्सवेल को वीसी इसीलिए दिया मैंने क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और मैक्सवेल गेंदबाजी करता नजर आएगा, लास्ट मैच में भी विकेट निकाली थी, यहाँ पे विकेट निकाल सकता है। और यहाँ पर भाई फाफ डु प्लेसिस नो डाउट क्लासिकल प्लेयर है, 100% अगर चला तो 70-80-100 रन इजिली बना जाएगा। चिन्ना स्वामी में मैच है, जहां पर भाई पिच पर अच्छी खासी हेल्प होती है बैट्समैन के लिए, इसीलिए भाई मैंने दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर को पिक किया है। ज्यादा बॉलर मैंने पिक इसीलिए नहीं किया क्योंकि भाई बॉलर्स का यहाँ पर काम थोड़ा कम रहेगा। ऑलराउंडर मैंने पिक इसीलिए किया क्योंकि मैंने वही ऑलराउंडर पिक किए जिनकी बैटिंग आना ऑलमोस्ट कंफर्म है, प्लस 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी करके दे देंगे, ठीक है। अब अगर बात करें भाई दूसरी टीम की, यहां पर अगर आप देखोगे तो फाफ डु प्लेसिस आपको दिख जाएंगे, अगेन कैप्टनशिप पे, अगेन वीसी, आपको मैक्सवेल दिख जाएंगे। यहां पर भाई मैंने वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप किया है, और यहां पर
बॉलिंग मैंने कवर कर ली है किसकी, आरसीबी की। ये कब होगा, जब मान लीजिए आरसीबी के टॉप मतलब तीन चार बैट्समैन चल जाएंगे, प्लस इनकी टीम सामने वाली टीम को जल्दी ऑल आउट करेगी या लेट भी ऑल आउट करेगी, बट सारे के सारे विकेट निकालेंगे। मतलब 10 विकेट अगर गिरते हैं तो आरसीबी के बॉलर ही निकालेंगे। 5 बॉलर मैंने पिक कर लिया, एक बॉलर मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। किसको छोड़ा भाई, मयंक डागर को। अगर आप चाहो तो आप उसे भी अपनी टीम में रख सकते हो, तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, नंबर 3 टीम की बात करेंगे। अब देखिए ये जो टीम है ना, इनमें अगर मान लीजिए कोई प्लेयर नहीं खेलता तो 20 की 20 टीम में आपका कोई ऐसा प्लेयर आ जाए कि कोई ऐसा प्लेयर है जो 20 टीम में कॉमन है लेकिन वो नहीं खेल रहा, तो वो जो सारी अपडेट है प्लस फाइनल पिच रिपोर्ट, फाइनल 20 टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थर्ड टीम की बात करते हैं। यहाँ पर भाई मैंने मैक्सी सर को ड्रॉप किया क्योंकि मैंने यहाँ पर भाई इनका टॉप ऑर्डर पिक किया और मैं मान रहा हूँ कि केकेआर का टॉप ऑर्डर चलेगा। प्लस यहाँ पर आरसीबी की तरफ से मैं मान के चल रहा हूँ कि सेकेंड इनिंग में भाई बैटिंग आएगी आरसीबी की, तो पहली इनिंग में बॉलिंग आएगी तो भाई ग्रीन विकेट निकाल सकता है। प्लस चेजिंग मास्टर किंग कोहली है तो भाई वीसी मैंने इनको दिया। प्लस टॉप ऑर्डर में कोई ना कोई और भी चलेगा तो मैंने फाफ डु प्लेसिस को रखा है। बाकी यहाँ से इनके बॉलर्स को मैंने रखा क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आएगी ना तो भाई ये सिराज और यहाँ से अल्जारी जोसेफ डेथ में डालेंगे, प्लस मिडिल ओवर्स में ये दोनों गेंदबाजी करते आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते नंबर 4 टीम पर। नंबर 4 टीम आप देखोगे तो भाई अगेन मैंने मैक्सवेल को और मैक्सल को कैप्टन और फाफ को वीसी दिया है। रीजन अगेन भाई बिल्कुल सेम रहेगा, मैंने आरसीबी के फेवर में टीम बनाई है और आरसीबी के टॉप 3 बैट्समैन को मैं मान के चल रहा हूं कि अच्छा कर जाएंगे, इसीलिए भाई मैंने यहां से मैक्सल को कैप्टन दिया। और मैक्सल को कैप्टन देने का मेन रीजन यही है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मिनिमम 2 विकेट मैक्सवेल से, प्लस 30-35 रन मैक्सवेल से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अगर होता है तो भाई मैक्सवेल हमारे लिए ट्रंप कार्ड पिक इस मैच में होने वाले एज ए सीवीसी। नंबर 5 टीम की बात करेंगे। यहां पर भाई मैं शिफ्ट हो गया हूं केकेआर के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया कि वन साइडेड अगर केकेआर जीतेगी तो भी भाई कोई ना कोई तो आरसीबी का प्लेयर स्टैंड आउट करेगा, कोई ना कोई तो प्लेयर परफॉर्मेंस देगा, तो इसीलिए मैंने भाई ऐसे प्लेयर पकड़े हैं जो कि भाई मोस्टली काम करेंगे। जैसे मैक्सवेल बैटिंग में भी आएगा, 100% बैटिंग आएगी, ग्रीन की लास्ट मैच में 1 डाउन बैटिंग आई थी तो बैटिंग आनी आनी है। प्लस ये दोनों आपको कम से कम 6 से 7 ओवर डाल के दे देंगे। अल्जारी जोसेफ भी भाई डेथ में गेंदबाजी करेगा तो ये भी भाई विकेट निकाल सकता है। प्लस यहां पर अगर आप देखोगे तो विराट कोहली भाई आपको पता है ये रह के 20-30 रन तो बना ही देंगे, तो ये चीज है भाई। मैंने मोस्टली भाई इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और जो इनके विकेट टेकिंग गेंदबाज है हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसल, इनको मैंने टीम में रखा है। मैं मान के चल रहा हूं कि इनके टॉप ऑर्डर फिर से चलेगा, फिलिप साल्ट फिर से चलेगा, तो उसीलिए मैंने कैप्टन उसको दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई नंबर 6 टीम पर। 6 नंबर टीम की बात करें तो यहां पर अनुज रावत को मैंने विकेट कीपिंग में रखा है। अगेन मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर केकेआर विन करेगी और केकेआर के बॉलर्स भाई सारी की सारी विकेट निकाल लेंगे, इसीलिए मैंने इनके बॉलर्स को टीम में रखा है। प्लस श्रेयस अय्यर भाई काफी टाइम से रनों से दूर है और इस मैच में हो सकता है वो अपने रनों का सूखा खत्म करे, तो इसीलिए मैंने इन्हें अपनी टीम में एज ए वीसी दिया है। आगे बढ़ते भाई, यहाँ पर अगेन भाई मैंने ऐसी टीम बनाई है कि केकेआर की टीम भाई मोस्टली विकेट निकालेगी, प्लस आरसीबी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा यानी कि भाई टॉप ऑर्डर फाफ और कोहली दोनों फ्लॉप हो जाएंगे, तो मैंने पाटीदार को टीम में लिया है कि ये 30-40 रन बना जाएगा। और उसके अलावा भाई जो इनका टॉप ऑर्डर है वो मैंने ले रखा है, मैंने वीसी हर्षित राणा को दिया क्योंकि ये डेथ में गेंदबाजी करेगा और अगर डेथ में गेंदबाजी करेगा प्लस स्टार्टिंग में गेंदबाजी करेगा तो स्टार्टिंग में इनके ओपनर्स का विकेट चटका सकता है, प्लस डेथ में ये आपको भाई है डेथ में किसी का भी विकेट निकाल सकते हैं क्योंकि डेथ में हर एक बैट्समैन जो भी आएगा चाहे वो ओपनर हो चाहे वो लास्ट का बल्लेबाज हो हर एक बैट्समैन मारने की ट्राई करेगा और डेथ ओवर के गेंदबाज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें भाई आगे बढ़े तो यहां पर भाई देखिए 7 टीम मैंने आपको दिखा दिया। टीम नंबर 8 की बात करेंगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई मैक्सी आपको नजर आएंगे एज ए कैप्टन, वीसी नजर आ जाएंगे आपको आंद्रे रसल। मैं मान के चल रहा हूं कि केकेआर की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, लेकिन भाई यहां पर भाई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो भी डेथ में अगर रसल 1-2 ओवर डालता है तो ये आपको विकेट दे देगा। मैक्सवेल भाई अगेन सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर है तो मैंने सामने वाली टीम के दोनों लेफ्ट हैंडर नीतीश राणा और जो टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन आएंगे नीतीश राणा और क्या था यार वेंकटेश अय्यर, उन दोनों को ड्रॉप किया, इनको मैंने इसीलिए रखा क्योंकि नीचे बैटिंग करने आएंगे। ठीक है, और रिंकू सिंह भाई स्पिन को काफी ज्यादा अच्छा खेलते हैं और भाई रिस्क कैलकुलेटिव लेते हैं, तो वही रीजन है कि मैंने इन्हें अपनी टीम में लिया और मैक्सिको कैप्टन दिया है। ठीक है, अब अगर बात करें भाई टीम नंबर 9 की तो यहां पर भाई मैं अगेन आरसीबी की तरफ शिफ्ट हुआ हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर
बैट्समैन धुआंधार रन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कौन कर रहा है? फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहा है इस टीम के हिसाब से केकेआर की टीम। अगर केकेआर की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो भाई उनके डेथ ओवर की गेंदबाज मैंने रख लिया, प्लस यहाँ पर ये तीनों डेथ में गेंदबाजी करेंगे, प्लस उनके टॉप ऑर्डर के दो तीन बैट्समैन मैंने रख लिए जो अच्छा कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करें भाई नंबर 10 टीम की, यहाँ पर अगेन भाई फाफ और मैक्सी का कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। मोस्टली भाई यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने भाई दोनों टीम्स के सारे बैट्समैन पिक करने की, जितने ज्यादा बैट्समैन मैं पिक कर सकता था उतने मैंने पिक किए। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 बैट्समैन मैंने लिए आरसीबी के, 1 2 3 4 5 बैट्समैन मैंने ले लिए भाई केकेआर के, एक मैंने बॉलर ले लिया। अब यहाँ पर इस टीम में आप चेंज कर सकते हो, अगर भाई यहाँ पर पहले केकेआर की टीम बॉलिंग करे तो यहाँ पर स्टार के हर्षित राणा को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते भाई यहाँ पर, इसके अलावा अगर बात करें भाई यहाँ पर मैक्सी और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, मैं मान के चल रहा हूँ कि आरसीबी की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो ये अच्छी खासी विकेट निकाल लेंगे, प्लस इनके टॉप 3 बैट्समैन मतलब रन्स बना जाएंगे तो वो वहां पर विनिंग करवा जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप सीवीसी में इन दोनों को भी रख सकते हो, ठीक है। टीम नंबर 12 पर चलते हैं, टीम नंबर 12 की बात करें तो वेंकी भैया को मैंने एज ए कैप्टन लिया, मैक्सी भैया को मैंने एज ए वीसी लिया। मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा सा टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा दोनों टीम का, लेकिन थोड़ा सा नीचे के बैट्समैन अच्छा कर जाएंगे, उस कंडीशन में मैंने भाई इन प्लेयर्स को लिया हुआ है एज ए सीवीसी। नंबर 13 टीम की अगर बात करें तो नंबर 13 टीम में अगेन भाई मैंने दोनों टीम के मोस्टली बैट्समैन को कवर किया है, प्लस भाई यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि देखिए यहां पर 8 ओवर आपको दे देंगे सुनील नारायण और आंद्रे रसल, बाकी यहां से 8 ओवर आप मान के चलिए कि यहां से ये तीनों मिलकर दे देंगे आरसीबी के लिए, प्लस टॉप ऑर्डर भी इनका दोनों टीम्स का मैंने कवर कर लिया है। तो यही चीज है भाई, इसमें मैंने मेन बैट्समैन को लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि भाई यहां पर बैटिंग के हिसाब से अगर आप टीम बनाओगे ना ग्रैंड लीग की तो ज्यादा चांस है जीतने, क्योंकि चिन्नास्वामी भाई में भाई बैटिंग फ्रेंडली विकेट ज्यादा होती है, ठीक है। आगे चलते भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको भाई टीम के नंबर 13 की हमने बात कर ली, हाँ, तो टीम नंबर 14 पर चलते हैं। टीम नंबर 14 में अगर आप देखोगे तो यहां पर भाई मैं मान के चल रहा हूं कि इनका टॉप ऑर्डर चलेगा, प्लस आरसीबी के कुछ प्लेयर चलेंगे चुनिंदा, और यहां पर इनके बॉलर्स भी विकेट निकालेंगे केकेआर के, तो उसी हिसाब से मैंने ये टीम बनाई है। देखो मेरा कॉम्बिनेशन भी आपको दिख रहा होगा, मैंने क्लियरली केकेआर को फेवर किया है। यहां पर आप सीवीसी को रोटेशन में रख सकते हो, जो आपकी गट फीलिंग बोले उनके साथ आप जा सकते हो। वहीं अगर भाई यहां पर बात करेंगे टीम नंबर 15 की, तो यहां पर भाई मैं मान के चल रहा हूं कि इनके दोनों अच्छे खासे 80-90 रन बनाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो भाई इनके बॉलर्स भी विकेट निकालेंगे, उस कंडीशन में भाई मैंने इनके 5 बॉलर्स को टीम में रख लिया, प्लस यहां से इनके कुछ चुनिंदा डिफरेंशियल पिक्स प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नीचे अगर आप चलोगे टीम नंबर 16 पर, तो टीम नंबर 16 में आपको भाई फिर से ऐसे प्लेयर दिखेंगे जो कि भाई मोस्टली आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे, और जो हार्ड हिटर है दोनों के दोनों बैट्समैन, ऐसे मैंने मतलब ऐसे बैट्समैन है सीबीसी हमारे इस में जो भाई अगर चले ना तो 17-18 बॉल पर 50 रन ठोक सकते हैं, और अगर भाई ये ऐसा कर जाते हैं तो दोनों अपने लिए बेस्ट काम कर जाएंगे। अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक बैटिंग में फ्लॉप हो भी जाता है तो भाई बॉलिंग से आपको पॉइंट निकाल देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन और नरीन को मैंने वीसी दिया है, मैं मान के चल रहा हूं आरसीबी फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगी, इनके दोनों ओपनर अच्छा करेंगे, प्लस भाई यहां पर डेथ के जो इनके गेंदबाज है प्लस मिडिल ओवर के जो गेंदबाज है वो भाई विकेट निकाल लेंगे। यहां से भाई मैं मान के चल रहा हूं कि सामने वाली टीम के जो शुरुआती गेंद जो कि भाई मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज और यश दयाल रहेंगे, ये यहाँ पर अच्छा करेंगे तो इनका टॉप ऑर्डर पूरा ढह जाएगा, उसी हिसाब से मैंने टीम नंबर 17 बनाई हुई है। टीम नंबर 18 की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई मैक्सी बाबू को मैंने कैप्टन दिया, वीसी दिया भाई मैंने अपनी टीम में मोहम्मद सिराज को, क्योंकि मोहम्मद सिराज आपको पता है जिस दिन इसका दिन होता है ना भाई ये स्टार्टिंग के 2 ओवर में 3-4 विकेट उड़ा देगा, और अगर ऐसा होता है तो आगे जाके भाई प्रेशर में बैट्समैन हिट करने जाएंगे केकेआर वाले किसको, मैक्सी को, उस कंडीशन में मैक्सी भी विकेट निकालेगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज है फिर मैं के चल रहा हूं कि यहां पर आरसीबी के भी विकेट्स गिरेंगे, तो इसीलिए भाई मैंने इनके भी 4 गेंदबाज लिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि टोटली आप मान सकते हो कि गेंदबाज के फेवर में टीम रहेगी। टीम नंबर 19 की बात कर लेते हैं, यहां पर भी भाई देखो मैंने गेंदबाजों के फेवर में टीम बनाई, देखो 3 और 5 8 गेंदबाज मैंने यहां पर दोनों टीम के लिए हुए हैं, तो आप मान सकते हो कि यहां पर भाई देखिए दोनों टीम के मैंने डिफरेंशियल बैट्समैन लिए, यानी कि दोनों टीम का टॉप ऑर्डर यहां पर कोलैप्स करेगा, उस कंडीशन में ये गेंदबाज विकेट निकालेंगे, तो इसी हिसाब से मैंने टीम बनाई है। यहां
यहाँ पर अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों टीम का टॉप ऑर्डर चलेगा, तो उसी हिसाब से मैंने सीवीसी दिया। आप अगर चाहो तो इनमें से भी किसी को भाई सीवीसी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई भाई हमारी 20 टीम। अब अगर बात करें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो दोस्तों देखो टेलीग्राम चैनल एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो आपको फाइनल टीम भी मिलेगी, प्लस कुछ और नॉलेजेबल टिप्स भी मिलेंगे। जैसे लास्ट मैच की अगर आप देखोगे तो मैंने विनिंग आपको करवाई, लेकिन जब मैंने टीम दी थी ना मैंने क्लियरली बोला था कि देखो भाई मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा किसको, मैं अपनी टीम में भाई नहीं रखूंगा ट्रेंट बोल्ट को, क्यों? क्योंकि सेकंड इनिंग में ट्रेंट बोल्ट विकेट नहीं निकालेगा। और एज यू विश, आपने देखा होगा, आपने अगर मैच देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो स्कोर कार्ड चेक कर लीजिएगा, ट्रेंट बोल्ट 3 ओवर में विकेटलेस गया है। तो ये चीज भाई आपको कोई नहीं बताएगा, और ये चीजें है ना ये फाइनल टॉस के बाद ही हो पाती है कि किसे फाइनली पिक करना है और किसे नहीं। तो टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए भाई काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं रखता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर अगर आप आओगे तो आपको भाई बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस अगर इस वीडियो पर भाई 100 लाइक आप कर देते हो तो काम करने का मजा ऐसे ही बना रहेगा, और काम करते हुए भाई आपके लिए जीएल मिनी जीएल 100% विनिंग भी करवाने वाला हूँ इसी आईपीएल में। तो उम्मीद है भाई आपने 20 की 20 टीम सेव कर ली होगी, नहीं किया तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा, मैं वहां पर आपको टॉस के बाद अगर मान लीजिए कोई प्लेयर नहीं खेलता तो अपडेट के साथ 20 टीम प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपसे भाई मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर ग्रैंड लीग की टीम प्लस स्मॉल लीग की फाइनल टीम के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।